गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज 10 तारीख है, 10 जनवरी 2021। आज हमको पढ़ना है सावधि जमा खाता, और ये जो न्यू सीरीज़ है जिसका नाम हमने रखा है पढ़ाई एक दिन पहले की, जिसमें आप एक दिन पहले ही नहीं, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और एक दिन पहले ये वीडियो से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति से अपनी पढ़ाई आप चालू कर दीजिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और कल का जो सेशन रहा उसमें आप लोगों ने काम किया होगा, पढ़ाई की होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, इसकी जो प्रकृति है वो ऐसी होती है कि सधन अवधि, यानी कि कुछ अवधि के लिए इसको रखा जाया जाता है ना, रखा जाता है। सधन अवधि यानी कि अवधि के साथ, स यानी कि साथ, और अवधि यानी कि समय, कुछ निश्चित समय के लिए इसको जमा किया जाता है ये पैसे को। ठीक है, जैसे आपके पास एक लमसम अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख जितना भी है, और उसको आप चाहते हैं कि ये कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो साल भर के लिए, 2 साल के लिए मैं क्या कर दूँ, जब तक मेरे बच्चे की पढ़ाई का कुछ नहीं आ जाता या शादी का कुछ नहीं आ जाता, तब तक कि मेरे को ये पैसे की उपयोग नहीं है, तो चलो 2 साल 5 साल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, उसको फिक्स कर देता हूँ। तो अब उसको कोई छेड़ेगा नहीं, वो पैसा रहेगा, और वो फिक्स डिपॉजिट होता है, उस पर अच्छे ब्याज मिलते हैं। तो वो बाद में फिर 5 साल बाद या 6 साल बाद जब भी आप निकालेंगे, उसके बाद वो आपको बढ़कर मिलेगा। ठीक है, तो ये तरीका जो है सधन अवधि यानी कि अवधि के साथ में रखा जाता है। अब ये जो बढ़ा हुआ पैसा है, ये आपको कम्प्लीटली एक साथ मिलेगा, उसमें ब्याज भी रहेगा इंक्लूड, और आपका मुद्दल भी रहेगा। तो मुद्दल और ब्याज दोनों मिलाकर मिलता है, इसलिए वो मिश्र धन के फॉर्म पे आपको मिलेगा। ठीक है, मुद्दल और ब्याज दोनों अगर जुड़ गया, मुद्दल मतलब आपने तो 1 लाख जमा किया, ठीक है, और बैंक आपको कितना दे रहा है, 1 साल या 2 साल तक के आपने रखा, मान लो 2 साल तक के रखा, और आप बैंक आपको क्या दे रहा है, 1 लाख 20 हज़ार दे रहा है। इसका मतलब 20 हज़ार वो बैंक की तरफ से ब्याज हुआ। ठीक है, आपका जो 1 लाख है 2 साल तक के बैंक के पास पड़ा था, तो बैंक उस पैसे का क्या करती है, उस पैसे को वो दूसरे सोर्स में जाकर इन्वेस्ट करती है, लाइक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होती है वो पैसे, है ना, ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर में, और भी बैंकिंग सेक्टर में, और भी बहुत सारे शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट होती है, और फिर वो वहाँ से वो रिटर्न बन के आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 2 साल तक के वो पैसे उनके पास हैं, तो वो हमको ब्याज देती है। ठीक है, तो ब्याज 20 हज़ार जैसे मिला, तो 1 लाख 20 हज़ार के रूप में आपको मिश्र धन मिलता है, उसमें 1 लाख आपका मुद्दल है और 20 हज़ार बैंक आपको ब्याज के तौर पर दे रही है। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर मिश्र धन के फॉर्म पे 1 लाख 20 हज़ार आपको 2 साल बाद मिलेगा। तो हम यहाँ पर मिश्र धन की गणना करते हैं, ना कि ब्याज। ब्याज पूछा जाए तो ब्याज भी निकाला जा सकता है, पर जनरली क्वेश्चन आएगा मिश्र धन निकालिए। ठीक है, तो परिपक्वता के बाद कितनी धनराशि उसको मिलेगी, ऐसा प्रश्न आएगा। उस परिपक्वता के बाद का मतलब होता है मिश्र धन की राशि। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं मिश्र धन। ठीक है, याद रखेंगे, मिश्र धन ए के लिए सूत्र होता है, और मिश्र धन ए के लिए आपके पास सूत्र है मूलधन कोष्टक में एक धन दर आर बटे 100 पूरे की घात समय एन। ठीक है, ये सूत्र है, ये जनरली आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, 7वीं 8वीं में भी हुआ करता है ये जो सूत्र है मिश्र धन ज्ञात करने का। ठीक है, तो मूलधन एक धन आर बटे 100, आर मतलब दर बटे 100 पूरे की घात समय एन। ठीक है, ये हो गया, ये वार्षिक ब्याज के लिए ये गणना होती है। अब तिमाही ब्याज और छमाही ब्याज के लिए गणना थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वार्षिक गणना के लिए, अगर आपको ब्याज वार्षिक चाहिए, है ना, वार्षिक गणना के लिए ये सूत्र लगता है। अब जैसे मैंने अकाउंट खोला, मैंने एफडी कराया, ठीक है, मुझे ब्याज 6-6 महीने में चाहिए। ठीक है, मुझे ज़रूरत है, मैंने भले ही 2 साल के लिए किया है, पर मुझे ब्याज 6-6 महीने में चाहिए। ठीक है, तो 1 साल खत्म होने से पहले 6 महीने में, यानी कि जनवरी से जून, 6 महीना हुआ, इस जून के आसपास मुझे एक बार ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, वो जो 20 हज़ार ब्याज मिलने वाला था, वो 20 हज़ार का एक हिस्सा मुझे 6 महीने के अंदर मिल जाएगा, फिर अगले 6 महीने के अंदर एक और हिस्सा मिलेगा, फिर अगले 6 महीने के अंदर, फिर अगले 6 महीने के अंदर, 2 साल की बात कर रहा हूँ, तो 4 6 माही होंगे उसमें। ठीक है, तो अगर आप 6 6 माही का ब्याज चाहते हैं या 3 3 माह का ब्याज चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ब्याज की गणना कैसे करवानी चाहते हैं, 3 3 माह में करवाना चाहते हैं, 6 6 माह में करवाना चाहते हैं, या फिर वार्षिक करवाना चाहते हैं। तो प्रश्न उठेंगे यहाँ पर, प्रश्न आएंगे 6 माही गणना या 3 माही गणना, ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 प्रश्न देखेंगे। फिलहाल आपका ये बेसिक सूत्र है। ठीक है, अगर 6 माही गणना पूछता है, अगर 6 माही गणना होता है, तब आपको दर को, दर आर जो है उसको क्या कर देना है, 2 भाग में डिवाइड कर देना है, यानी कि आर बटे 2 कर देना है। तो ये जो वार्षिक दर है, ये 6 माही दर बन जाएगी। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं तिमाही गणना की, तिमाही गणना, तो यहां पर दर जो है आर, वो आर बटे चार हो जाएगी, चार भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है तिमाही मतलब तीन से भाग देंगे क्या, पर नहीं, चार से भाग देंगे। ये क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, ये कौन सी दर हुई, ये है तिमाही दर। अब वार्षिक दर नहीं रखेंगे, तिमाही गणना अगर बोलेगा तो तिमाही दर रखेंगे, छमाही गणना बोलेगा तो छमाही दर रखेंगे। और समय जो है, समय भी एन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, छः माह में, कितने छः माह होते हैं, कितने छमाही होते हैं वो हो जाएगा। यहाँ का भी समय एन जो है उसको हम चेंज कर देंगे तिमाह में, यानी कि तिमाही में। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। एक साल में कितने माह होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 होते हैं। 6 माह का जोड़ा बनाइए, चलिए 1 2 3 4 5 6 जून तक का एक जोड़ा बना। ठीक है, और फिर जुलाई से दिसंबर तक, ये अगले 6 माह हुए, इसको प्रथम 6 माह ही बोलते हैं। ठीक है, प्रथम 6 माह ही इसको बोलते हैं, द्वितीय 6 माह, दूसरे नंबर की 6 माह। ठीक है, द्वितीय 6 माह। ठीक है, अब यहाँ पर तिमाही में इसको बांटते हैं अपन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पहली तिमाही हुई, तिमाही यानी कि 3 माह का जोड़ा। अप्रैल, मई, जून दूसरी तिमाही, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरी तिमाही, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये चौथी तिमाही, ये फर्स्ट तिमाही, फर्स्ट तिमाही, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ तिमाही। तिमाही को क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टरली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली, फोर्थ क्वार्टरली। ठीक है, तो ये चार तिमाही होते हैं यहाँ पर। तो जो आप दर पूरे वर्ष भर में लगाते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे वर्ष भर में लगता है, वो अगर आप तिमाही गणना चाहते हैं तो चार भाग में तोड़ के मिलता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, चार भाग में टूटेगा। अगर वो 8% का पूरा वर्ष भर में देता है और आप बोलते हैं नहीं सर मेरे को 3-3 माह में ब्याज चाहिए, मेरे को ज़रूरत है, कुछ खर्चे पड़ते हैं तिमाही में, है ना, तो मेरे को 3-3 माह में ब्याज चाहिए। ठीक है भाई, तो अब 3-3 माह में 8-8 थोड़ी ना देते बैठेगा, साल भर का 8 मिलता है ना, तो 3-3 माह में अगर उसको ब्याज देना है, मार्च खत्म हुआ आखिरी में ब्याज देना है, किस रेट पर मिलेगा? तो चार भागा करना पड़ेगा दर को, चार भाग में बांटोगे आप, चार तिमाही होते हैं इसलिए चार भागों में बांटोगे तो कट पिट के 2%। तो ये प्रथम तिमाही में 2% मिलेगा, द्वितीय तिमाही में 2% मिलेगा, इसमें 2% मिलेगा, इसमें 2% मिलेगा, दो 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 मिलके 8 ही होगा, वर्ष भर में 8 ही मिलेगा, ऐसा कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर होता है। तो जो दर होता है, दर आर, वो दो हिस्से में बढ़ जाता है, बात समझ में आई, दर जो है वो दो हिस्से में बढ़ जाएगा। जब छमाही दर होगा, छमाही गणना बोलेगा तो दर को आप 2 से भाग दे देना, छमाही दर निकल जाएगा। तिमाही गणना बोलेगा तो दर को आप 4 से भाग दे देना, तिमाही दर निकल जाएगा। और समय को हम 6 माह में और तिमाही में चेंज करेंगे, ये आपको प्रश्न से समझ में आ जाएगा। आ जाइए पहला प्रश्न देखते हैं। किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि मिलेगी? देखिए, एक मुश्त राशि है 20,000, वो हर माह नहीं डाल रहा है। कल हमने आवर्ती जमा खाता पढ़ा था, उसमें हर माह डालते थे, यहाँ पर 20,000 एक मुश्त डाल रहा है। नाम से स्पष्ट है सावधि जमा खाता, ये आपको देखकर पता कर लेना है। सधन अवधि यानी कि सावधि, यानी कि एक साथ वो डाल दिया है, अब बार बार नहीं डालेगा, एक साथ वो डाल दिया है 20,000, कितने साल के लिए, एक साल के लिए। दर कितनी पड़ रही है यहाँ पर, 16%, प्रतिशत मतलब दर होता है। ठीक है, 16% ये वार्षिक दर है। ठीक है, आगे जैसे जाएंगे तो पता चलता है कि तिमाही गणना करना है, ब्याज की गणना तिमाही है ना, मतलब इस बंदे को, इस किशन को क्या चाहिए, हर 3-3 माह में उसको ब्याज चाहिए, तो बैंक वाला उसको तिमाही गणना के आधार पर ब्याज निकाल निकाल के देगा। ठीक है, तो ब्याज की गणना तिमाही संयोजित करनी है। ओके, परिपक्वता के पश्चात यानी कि एक साल का जो टेन्योर है यानी कि समयावधि है वो खत्म होगी तो परिपक्वता बोलेंगे उसको, परिपक्वता के बाद किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमको मिश्रधन प्राप्त करना, ज्ञात करना है, मिश्रधन हम ज्ञात करेंगे। तो क्या दिया है भाई, दिया है सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये वो जमा कर रहा है, 20,000 जमा किया यानी कि बैंक को दे दिया, ले रख भाई
एक साल के लिए मेरा पैसा रख और बढ़ा के दे देना, ठीक है। इसका मतलब 20,000 बैंक ने उधार लिए या हमने उसको उधार दिए, तो उधार ली गई राशि या दी गई राशि, बैंक की तरफ से बोलेंगे तो उधार लिया है, हमारी तरफ से बोलेंगे तो हमने दिया है, तो ली गई राशि या दी गई राशि को मूलधन बोलते हैं। तो ये है मूलधन, 20,000 क्या है, मूलधन, 20 पी से डिनोट करेंगे, 20,000 रुपये, एक वर्ष, मतलब ये समय हो गया, ठीक है, समय एन बराबर कितना, एक वर्ष, ठीक है, ये वार्षिक समय है, हमको इसको तिमाही गणना है तो तिमाही में चेंज करना पड़ेगा। दर कितना दे दिया है, दर आर बराबर कितना है, 16%, ये वार्षिक दर है ना, ये वार्षिक दर है, ये वार्षिक समय है, आपको समय को दर को दोनों को चेंज करना होगा। तो यहीं पर लिखिए, चूंकि ब्याज की गणना कैसे करने बोल रहा है, तिमाही, क्योंकि ब्याज की गणना तिमाही होने वाली है, तिमाही होगी, क्योंकि ब्याज की गणना तिमाही होगी, इसीलिए दर को हम चेंज कर देंगे। दर जो है आर 16 बटे कितना हो जाएगा, तिमाही, मतलब कितने तिमाही होते हैं एक साल में, 4 तिमाही, तिमाही मतलब 4 भाग करने पड़ेंगे आपको दर के, ठीक है, तो 4 भागा कर दो, यानी कि 4 से विभाजित कर दो, तो 16/4, यानी कि 4 चौक 16, 4%। अब ये इसको वार्षिक दर नहीं लिखूंगा मैं, अब इसको कौन सा दर लिखूंगा, अब मैं इसको तिमाही दर लिखूंगा, तिमाही गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला दर, तिमाही दर। तथा समय, समय एन बराबर एक वर्ष है, ये वार्षिक समय है, मेरे को इसको छिमाही में कन्वर्ट, तिमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी, तिमाही पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा, तो 4 क्वार्टरली होते हैं यहाँ पर एक साल के अंदर, 3 3 माह का जोड़ा पकड़ेंगे तो एक तिमाही कहलाता है, ये एक तिमाही है, दूसरी तिमाही, तीसरी और चौथी तिमाही, ठीक है। तो इस तरीके से एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो एक वर्ष बराबर कितना हो गया, 4 तिमाही, तो ये तिमाही समय मिल गया 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सूत्र में डालते हैं, दिया गया तो हो गया भाई, इसी में क्या ज्ञात करना है आपको, परिपक्वता राशि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मिश्रधन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, मिश्रधन ए का मान हमें ज्ञात करना है। क्या सूत्र उपयोग करेंगे हम यहाँ पर, सावधि जमा खाता में यही एक सूत्र लगता है, सिंपल सा सूत्र है, आप पहले से पढ़ चुके हो, सिर्फ चूंकि ये 8वीं का भी क्वेश्चन है, 9वीं का भी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ घुमा के देता है, गणना आपकी तिमाही या छमाही ही आएगी, ज़्यादातर तिमाही छमाही के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, फिर भी आप दोनों तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर एक वार्षिक गणना का भी प्रश्न रखा हूँ, तो 3 प्रश्न है, एक वार्षिक गणना का, एक तिमाही गणना का और एक छमाही गणना का, तीनों को देखिए। सूत्र हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, मिश्र धन का, ए बराबर, मिश्र धन ए बराबर क्या, पी कोष्टक में एक धन आर बटा 100 पूरे की घात n, ठीक है, चलिए रख दीजिए, एक पी की जगह पी का मान, यानी कि 20,000, एक धन आर का मान कितना है, आर का मान 4 रखेंगे ना, 16 नहीं रखेंगे, 16 वार्षिक दर है, ये गणना कौन सी निकल रही है आपकी, ये गणना निकल रही है तिमाही, तो नीचे में आ जाएगा 100 पूरे की घात n, n n समय एक वर्ष दिया हुआ था, पर वो वार्षिक समय है, हमको तिमाही समय चाहिए, तो तिमाही समय के लिए क्या डालेंगे हम, 4 डालेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये 20,000 और गुणा है, ये 100 और ये 1, इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 1 से ही 4/100, तो 100 एकम 100 और 4 104, 104/100 पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा 20,000, 104/100 पूरे की घात 4, अब काटा पेटी नहीं करेंगे, सीधा इसको घात 4 तोड़ देंगे, यानी कि 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 और गुणा 104/100, ठीक है, ये 2 शून्य से इधर के 2 शून्य कटे, ये 2 शून्य से इधर के 2 शून्य कटे, ये 2 बच गया और नीचे में 4 शून्य रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी जो है वो आंसर आ जाता है अगले स्टेप में। 104, 104, 104 कितने बार है, 4 बार है, और नीचे में 100 कितने बार है, 2 बार, यानी कि मैं 4 बार का शून्य ले लेता हूँ। अब देखिए, इसको काटा पीटी नहीं करेंगे, अगर काटा पीटी करेंगे तो फिर भाग देना पड़ जाएगा, मुझे ज़्यादा सरल लगता है गुणा करना, अगर आप गुणा करते हैं भड़बड़ भड़बड़
4-0 है, बाएं से आप 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए आंसर एक लाइन में। सिर्फ आपको काम ये करना है कि आपको इनको गुणा करना है, ठीक है। जब आप 104 104 को गुणा करेंगे तो कितना आता है, 10816 आता है, ठीक है। फिर 104 104 को गुणा करेंगे, 10816। तो यहाँ पर मैं रफ कार्य यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, फिर आंसर कितना आता है हम यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। ये रफ कार्य हो गया, 104 गुणा 104, ये आप करेंगे तो आता है 10816, ठीक है। फिर ये भी 10,000 104 104 ये भी गुणा होगा तो 10816, मतलब 10816 दो बार होंगे, ठीक है। 104 गुणा 104, ये 10816 और ये भी 10816। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, ठीक है। 10816 गुणा 10816। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं तो आप इतने में भी छोड़ सकते हैं, आगे गलत मत कीजिए। अगर आप आंसर गलत ला देते हैं तो उस जांचने वाले का दिमाग खराब भी हो सकता है, क्योंकि वो आंसर देख के भी कई लोग जांचते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आंसर देखते हैं सही और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आंसर देख के वैसे नहीं जांचना चाहिए, फिर भी कई बार किस्मत खराब होती है तो ऐसे मूल्यांकनकर्ता मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है यहाँ तक सही है तो आपको बिल्कुल स्टेप मार्किंग देगा, और जो 5 नंबर का सवाल है तो वो 4 नंबर आप पा जाओगे। पर अगर आपने आंसर गलत दिखाया, कैलकुलेशन गलत करके आंसर गलत दिखाया, तो हो सकता है आपको वो 1 नंबर 2 नंबर दे, या फिर पूरा काट दे कि आंसर गलत है करके, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन अच्छा है तो बिल्कुल करिए, और नहीं तो आप इतने में रोक सकते हैं। 6 छक्के 36 का 6 हासिल आया 3, 6 कम 6 3 9, 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल आया 4, 6 शून्य 0 4 4, 6 कम 6 क्रॉस, 1 से करिए, 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 8 0 1, फिर क्रॉस क्रॉस, 8 से करिए, 8 छक्के 48 का 8 हासिल आया 4, 8 कम 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 88 64 और 1 65 का 5 हासिल आया 6, 8 शून्य 0 और 6 6, 8 कम 8, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस। अब शून्य से करूँगा तो 5 बार 0 लगा देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, क्रॉस 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 क्रॉस। अब 1 से करूँगा तो 6 1 6 1 8 0 और 1, चलो ये हो गया 6, 9 6 15 का 5 हासिल आया 1, 8 2 10 10 8 18 18 का 8 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और ये 10 हो गया 15 15 का 5 हासिल आया 1, 6 और 1 7 7 5 12 12 6 18 18 का 8 हासिल आया 1, 1 और 1 2 2 और 7 हो गया 9, 8 8 16 का 6 हासिल आया 1, ये हो गया 1 और ये 1। अब इनको हम गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि 1 2 और बचा था ना, ठीक है। 2 छक्के 12 का 2 हासिल आया 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल आया 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल आया 1, 2 नियम 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, 2 छक्के 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, और नीचे में कौन है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा, 23,397 ये उसका आंसर है। मैं ज़रा आंसर देख लूँ कि आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। 23,397, ओके वेरी गुड, अपने आप को ही वेरी गुड बोलते हुए। तो ये हो गया है 23, इतना कैलकुलेशन देखेगा तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ बच्चा होशियार है। आगे के क्वेश्चन आपको सिंपैथी के हिसाब से, सिंपैथी नहीं, आपको टैलेंट के हिसाब से जांचे जाएंगे, अगर आप कैलकुलेशन भी अच्छा दिखाते हैं तो, ठीक है। 23 39 71 71, 2 और बटे में कौन था, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 23 39, 1 2 3 4, यानी कि 7.17, ठीक है। इतना रुपया, 23,397 रुपया 17 पैसा, ये आपको क्या मिलेगा, मिश्र धन, ये ए मिलेगा। तो ये है आपका आंसर कि परिपक्वता राशि, यानी कि 1 साल के बाद परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त होने वाली है उसको, किशन को परिपक्वता राशि 23,397 रुपया 17 पैसा ये मिलेगी, ठीक है। ये खत्म हुआ क्वेश्चन, ये 5 नंबर के लिए पूछ देता है ये क्वेश्चन को, ठीक है। 5 नंबर है इस बार ब्लूप्रिंट में, तो बिल्कुल तैयार करिए 5 नंबर के लायक ये है। अब ये एक क्वेश्चन है वार्षिक संयोजन वाला, यानी कि वार्षिक गणना वाला। तो वार्षिक गणना को हम लोग थोड़ा सा लेट में देखते हैं, पहले आप 6 माही गणना को देखिए। ये देखिए 6 माही गणना, 6 माही गणना वाला है, ब्याज की गणना 6 माही की जाएगी। आ जाइए अब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डायलॉगबाजी ना करते हुए सीधे आपको फिगर पे लाता हूँ, ठीक है।
दिया है। क्या दिया भाई? श्री राम 20,000 रुपए 2 साल के लिए सावधि जमा खाते में जमा करता है। 20,000 रुपए जमा कर रहा है मतलब ये दी जाने वाली राशि है ये, ठीक है। इसको मूलधन में ले लो, मूलधन पी बराबर कितना, 20, 1, 2, 3, 20,000। 2 वर्ष का समय है उसके लिए, ठीक है। तो समय समय एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, ये वार्षिक समय है, ठीक है, वार्षिक समय है। और दर कितना है भाई? दर आर बराबर 6%, ये वार्षिक दर है ना, नाम से स्पष्ट है वहां पर 6% वार्षिक लिखा है दर को, ठीक है। तो ये वार्षिक दर है। हाँ, हमको ब्याज की गणना क्या बोलता है? चूंकि ब्याज की गणना क्या करना है, ये जो बंदा है श्री राम, ये बोलता है ब्याज की गणना 6 माही, मतलब मुझे 6 6 माह में ब्याज चाहिए, ठीक है। तो ब्याज की गणना क्या है भाई? 6 माही है, हाफ ईयरली है, ठीक है, 6 माही होनी है ब्याज की गणना, 6 माही होगी। इसलिए समय और दर दोनों चेंज होंगे। दर आर जो है वो 2 हिस्से में बटेगा। क्यों 2 हिस्से में? क्योंकि 6 माही का जोड़ा कितना होता है? 6 माही का जोड़ा 2 ठो होता है, प्रथम 6 माही, द्वितीय 6 माही, 1 साल में। इसलिए दर को यहाँ पर 2 भाग में बांटना पड़ेगा। दर कितना है यहाँ पर? 6 है, ये वार्षिक दर है। इसको 2 टुकड़े में बांटो तो 3 हो जाएगा, ये 3%। अब ये दर क्या कहलाएगा? ये अब कहलाएगा 6 माही दर। तो इसको हम यूज करेंगे, ना कि इसको, ठीक है। अब समय एन जो है, इस एन का मान कितना दिया हुआ था? 2 वर्ष दिया हुआ था। तो 2 वर्ष में कितने 6 माही होते हैं उसको लिख दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितनी 6 माही होती है, 1 साल में पूरी 2 6 माही होती है, 6 माह के 2 जोड़े होते हैं, तो 2 साल में 6 माह के 4 जोड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वर्ष में 2 6 माही, इसलिए 2 वर्ष में कितने 6 माही? 4 6 माही। तो मैं यहाँ पर क्या डालने वाला हूँ, समय की जगह 4 6 माही इसको डालने वाला हूँ, ठीक है। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है नियत तिथि के पश्चात, यानी कि 2 साल कंप्लीट हो जाने के पश्चात उसको कितनी धनराशि मिलती है, यानी कि परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि यानी कि मिश्र धन, ठीक है, ए इसको और क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धन, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। अब सूत्र क्या उपयोग होगा? वही सूत्र उपयोग होगा भाई मिश्र धन का। लगाइए मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन ए बराबर कितना, पी कोष्टक में 1 धन आर बटे 100 पूरे की घात एन, ठीक है। तो पी 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 का मान कितना है, 20,000, ठीक है, 20,000। 1 धन आर, आर कितना है, ये वाला आर यूज नहीं कर सकते हम, 3 यूज करेंगे। तो ये 3 बटे 100 पूरे की घात एन, एन का मान क्या यूज करूंगा मैं, 4, ठीक है। तो ये हो गया 20, 1, 2, 3 हजार हो गया ये, और 100 और ये 1 और ये 3, ये एक से ही 3 बटे 100, ऐसा टाइप का भी पढ़ सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट याद रखिए, 101 ना, 100 और 1 का गुणा हुआ तो 100 और 3 जोड़ दो तो 103 बटे 100, 103 बटे 100 पूरे की घात 4, ठीक है। इसको यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ 103 बटे 100 गुणा 103 बटे 100, 103 बटे 100, 103 बटे 100 कितने बार है यहाँ पर, 4 बार है, घात 4 है इसलिए 4 बार लिख दिया मैंने। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, अब ऊपर में बच गया 2 और 103 बचा है, कितने बार बचा है 103, कितने बार बचा है, ये बचा है 4 बार, और नीचे 100 कितने बार बचा है, 2 बार। तो यहाँ पर मैं 4 बार का शून्य लिख दिया। अब 103 103 103 103 इसको आपको क्या करने पड़ेंगे, इसको यहाँ पर आपको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 बार गुणा करने के लिए यहाँ पर अब मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, मैं समय बचाने की सोच रहा था और मैं मोबाइल हिला दूंगा तो फिर ये गड़बड़ा जाएगा, इसलिए चलो मैं गुणा कर रहा हूँ, 103 गुणा 103 फटाफट करते, 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, शून्य से करूँगा शून्य 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 3 बार, कटमिट कटमिट, 1 के लिए किया तो 3 0 1 हो गया, इधर 9 शून्य, 3 3 6 शून्य 1, ठीक है। इतना ही अगले 103 103 के लिए भी आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको भी ले लेते हैं, 10,609 गुणा 10,609, 9 81 का 1 हासिल है 8, 9 0 0, 0 और 8 8, 9 6 54 का 4 हासिल है 5, 9 0 0 और 5 5, 9 1 9 क्रॉस,
शून्य से करूंगा तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 बार शून्य लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5, क्रॉस क्रॉस, 6 से करो, 6 नियम 54 का 4 हासिल है 5, 6 शून्य 0 और 5 5, 6 6 के 36 का 6 हासिल है 3, 6 शून्य 0 और 3 3, 6 कम 6, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अब शून्य से तो 5 है, 1 2 3 4 5, अब क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है, अब 1 से करेंगे तो 9 9 0 6 0 1, ठीक है, ये हुआ 1, ये हुआ 8, ये 4 4 8, 5 5 10 का 0 हासिल है 1, 9 और 1 10 10 6 16 16 9 25, 25 का 5 हासिल है 2, ये हो जाएगा 3 2 3 2 5 हो गया, और 6 6 12 का 2 हासिल है 1, ये हो गया 1 1, और 2 से मल्टीप्लाई करना भी बचा 6, है ना, तो 2 1 कम 2 2 8 16 का 6 हासिल है 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल है 1, 2 शून्य 0 और 1, 2 5 6 10 का 0 हासिल है 1, 2 5 6 10 और 11 का 1 हासिल है 1, 2 2 4 और 1 5 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक सांस में, और नीचे में कौन बैठा है पहले लिख लेता हूँ मैं, 22 51 01 7 6 2, नीचे में 4 शून्य वाला 10,000, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगा देंगे, तो 22 510.17 है, 6 के कारण उसको 7 को बढ़ा के आप लिख सकते हैं, 2 अंक तक दिखाते हैं, पैसा 2 अंकों का होता है ना, तो इतना रुपया उतना पैसा ऐसा बताएंगे, तो 22,510.18 रुपया लिखेंगे, इसको रुपया लिखेंगे क्योंकि रुपया बड़ा होता है तो रुपये के लिए रुपये लिखेंगे, ऐसा नहीं पैसा बोल रहे हैं तो पैसा लिखेंगे, पैसा छोटी राशि है तो रुपये पे पढ़ रहे हैं आप उसको, ठीक है, जैसे अगर 2 रुपया 15 पैसा है तो क्या बोलेंगे उसको, 2 रुपया 15 पैसा, तो रुपया ही पढ़ोगे ना उसको आप, रुपया ही तो है पैसा थोड़ी ना, तो ये ए हुआ 22,510, आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था 22,510, सही है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप भाई, कि श्री राम को परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त होगी, श्री राम को परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त होने वाली है, 22,510.18 रुपया मिलेगी, ठीक है, बैंक के तरफ से, ये खत्म होता है, ठीक है, ये रफ में आपको दिखाने के लिए किया हूँ बच्चों, अगर आप इसको रफ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप यहाँ दिखलाते हैं तो भी कचड़ा नहीं होना चाहिए, काटा मिटी नहीं करेंगे तो फिर जांचने वाले को मज़ा आएगा, अगर आप यहीं पे काटा पिटी किए, अरे नहीं गलत हो गया, अरे नहीं गलत हो गया, तो फिर आप इसको सुधार नहीं सकेंगे, इसलिए ये बोला जाता है कि आप रफ को लास्ट में कीजिए, ठीक है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हैं एकदम कि हाँ मेरा सही होएगा ही, तो आप करिए यहाँ पर, कोई नहीं काटेगा उसको, ठीक है, अब आ जाइए इसमें फोर्थ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4, यदि व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, सावधि जमा खाता में ना 2 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, ब्याज की दर कितनी मिल रही, 4% वार्षिक ना, उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी, उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो, अब ये वार्षिक गणना वाला प्रश्न आ गया, अब ध्यान देंगे यहाँ पर ना ही तिमाही है ना ही छमाही है, ये है वार्षिक गणना, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर वार्षिक गणना आ जाए, कभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो अपन घूम जाते हैं, क्योंकि अपन पढ़े रहते हैं छमाही और तिमाही, और आ क्या गया वार्षिक, और अपन छमाही का कुछ आंकड़ा डाल दिया तो गलत हो जाएगा, ये वार्षिक है, तो वार्षिक का मतलब ये होगा कि आप सीधे सीधे ये वाला काम नहीं करेंगे, ना दर को चेंज करेंगे, ना ही आप समय को चेंज करेंगे, सीधा वार्षिक आंकड़ा डालेंगे, वार्षिक समय डालेंगे, वार्षिक दर डालेंगे, ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन में आता है, ठीक है, सिंपल बट कंफ्यूजिंग, ये सिंपल है, अगर आ गया तो कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वार्षिक गणना है, समझ जाना इसको, वार्षिक गणना बोल रहा है, दैट मीन्स आप दिया गया है क्या लिख सकते हैं अपन, मूलधन, मूलधन पी कितना है भाई, 2 लाख, 2 लाख में कितने शून्य होते हैं, 1 2 3 4 और 5, 2 लाख रुपया, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, समय कितना है, समय एन बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष, ये कौन सा समय है भाई, ये वार्षिक समय है, ठीक है, वार्षिक समय, दर कितना दिया हुआ है, दर आर का मान दिया हुआ है 4%, ठीक है, ये वार्षिक दर है, ठीक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक ही है, तो मैं क्यों चेंज करूंगा, नहीं चेंज करूंगा, वार्षिक आंकड़ों को ही डालूंगा मैं, ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है, अब कोई गणना वाला टॉपिक नहीं डालेंगे कि गणना छमाही है, ये है वो है, कुछ नहीं, वार्षिक समय है, वार्षिक दर है, और वार्षिक गणना बोल रहा है, तो वार्षिक आंकड़े ही आप डालेंगे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, परिपक्वता राशि, ठीक है, परिपक्वता राशि यानी कि मिश्र धन ए का मान हमें ज्ञात करना है, सूत्र क्या उपयोग करेंगे, वही सूत्र है,
ए बराबर पी कोष्टक में एक धन आर बटा 100 पूरे की घात एन। तो ए पी का मान कितना, 1 2 3 4 5, 5 बार शून्य लगा। एक धन आर का मान आराम से यूज कीजिए उसी 4 को, बटे में 100 पूरे की घात एन का मान कितना, 2। ये सिर्फ आप तब करेंगे जब वार्षिक गणना बोल रहा होगा। अगर छमाही गणना बोलेगा तो दर और समय चेंज हो जाएंगे। तिमाही गणना बोलेगा तो भी दर और समय चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे वो मैंने क्वेश्चन बता दिया, एक दो बार और रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आपको एक साथ वीडियो देखने की, आप एक क्वेश्चन देखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए फिर आ जाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए फिर आ जाइए। एक साथ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ये अनंत काल तक अब इस चैनल में पड़ा रहेगा, आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, है ना। दिस इज़ द पावर ऑफ यूट्यूब। 1 + 4 एक धन 4/100 पूरे की घात 2, ये क्या कर लूंगा इसको मैं, 100 × 100 और 4 = 104, 104/100 पूरे की घात 2 और ये हो गया 200000, 3 × 2 = 5। और यहाँ पर इसको दो बार तोड़ लो भाई, घात 2 है तो दो बार खोल दो इसको, ये हो गया 1 2 3 4 5, 104/100 गुणा 104/100, ये 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ बच गया 20 गुणा 104 गुणा 104, याद होगा अगर आपको, मैंने अभी बताया नीचे कुछ भी नहीं बचा ना, तो ये हो गया 20 गुणा, ये होता है 10816। मैंने क्वेश्चन अभी किया था 104 वाला, 10816 है ना, तो ये हो गया 10816, इनका वैल्यू हो गया ये। और इसको सीधा 20 से गुणा कर दो, तो ये इकाई में शून्य इसको पहले से ही रहने दो, 2 से सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको 10 सोच के 10 का एक शून्य अलग से लगा दिए, 2 सोच लो, अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 12 का 2 हासिला 1, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, 2 × 8 = 16 का 6 हासिला 1, 2 × 0 = 1, 2 × 1 = 2, ये आ गया मिश्रधन। कितना ये, 216320, 2 लाख जमा किया, 2 साल बाद कितना बन के मिला, 16320 एक्स्ट्रा जुड़ के मिल रहा है आपको, ठीक है। यानी कि 216320 ये मिश्रधन है, ठीक है। अतः मिश्रधन या परिपक्वता राशि उसको इतनी मिली। अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, सिंपल है पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ सकता है, बोलेगा कि इसको ब्याज कितना मिला, बताओ उस व्यक्ति को ब्याज कितना मिला, तो ब्याज आप उसमें देख के बता सकते हैं कि ब्याज कितना है वहां पर, 16320, ठीक है। इस व्यक्ति को मिलने वाला ब्याज, ये इफ केस है ना, इफ केस अगर ऐसा पूछ दे तो, ठीक है, इफ केस अगर ऐसा पूछ दे तो। हालांकि यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ मिश्रधन पूछा है तो ये आपका आंसर आ चुका है भाई, ठीक है, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। उसे परिपक्वता राशि कितनी मिलने वाली है, उस व्यक्ति को परिपक्वता राशि कितनी मिलने वाली है, 216320 रुपया मिलेगी, ये उसकी परिपक्वता राशि है। तो अगर आपको इसमें से ब्याज को फाइंड करना है तो ब्याज कैसे मिल जाएगा, मिश्रधन में से, मिश्रधन ए में से मूलधन को घटा दीजिए, 216320 में से 2 लाख को घटा दीजिए, कितना बचा, 16320 रुपया, इफ केस है ना, ठीक है। ये खत्म होता है क्वेश्चन, तो यही खत्म हो गया था, मैं ये ऐसी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, अगर कभी पूछ दे तो ब्याज ऐसा नहीं है कि सावधि जमा खाता में ब्याज नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है, उसको कितना ब्याज मिला, मिश्रधन के बाद आप ब्याज निकाल सकते हो, ठीक है। पर सूत्र आपको यहाँ पर मिश्रधन का ही है, ब्याज का सूत्र नहीं है, ब्याज आप बाद में निकाल सकते हैं, आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र है, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, जनरल प्रमोशन के वेट में मत रहिए, नहीं होगा उससे किसी का भी भला, अच्छे से पढ़िए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, टीचिंग अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस डालने में हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।